दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच पहले T20 मुकाबले में जहां सूर्य कुमार यादव ने शतक जड़ डाला, तो वहीं भारतीय टीम जब अंतिम ओवर में लगभग मुकाबले को हार चुकी थी और 4 छक्कों की जरूरत थी भारत को मैच जीतने के लिए, तब उस मुश्किल समय में हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा ने हारा हुआ मैच पलट कर रख दिया। तो दोस्तों इस दौरान हम आपको भारत और श्रीलंका की टीम के बीच खेले गए रोमांचक मैच में सूर्य कुमार यादव के शतक के साथ हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा की मैच जिताकर दिल जीत लेने वाली पूरी पारियां हाईलाइट वीडियो में तो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में से कौन बेहतर बल्लेबाज है। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम पहले T20 मुकाबले को खेलने के लिए वानखेड़े के मैदान पर भिड़ी, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने जहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका गेंदबाजी करने का फैसला टीम इंडिया के लिए बिल्कुल सही साबित होता हुआ शुरुआत में तो नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि श्रीलंका की टीम ने यहां 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन बना डाले थे और भारतीय टीम को जीतने के लिए लक्ष्य मिला 188 रनों का। एक समय पर तो टीम इंडिया लगभग मुकाबले को हार ही चुकी थी, लेकिन दोस्तों यहां मैच अंतिम ओवर में जा पहुंचा और अंतिम ओवर में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आपको यहां वीडियो में दिखाएंगे। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि श्रीलंका की टीम की तरफ से जब पारी की शुरुआत करने के लिए पथुम निसंका और कुशल मेंडिस उतरे थे तो दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी, लेकिन यहां पर पहला बड़ा झटका युजवेंद्र चहल ने अर्शदीप सिंह के हाथों पथुम निसंका को आउट करवा के दिया, जो कि 12 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे, जहां अपनी इस पारी में एक चौका और एक छक्का उन्होंने लगाया था, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं पथुम निसंका के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे धनंजय डिसिल्वा, जहां कुशल मेंडिस और धनंजय डिसिल्वा के बीच साझेदारी आगे बढ़ती उससे पहले ही धनंजय भी अपना विकेट गवा बैठे, जो कि 15 गेंदों में मात्र 27 रन ही बना पाए और श्रीलंका की टीम को यह दूसरा बड़ा झटका लगा। हालांकि ये दो बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए चरित असालंका, जहां दोस्तों श्रीलंका की टीम को तीसरा झटका कुशल मेंडिस के रूप में लगा, जो कि अर्धशतक लगाते हुए 54 रन ही बना पाए और उन्हीं की पारी की बदौलत श्रीलंका की टीम ने यहां 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। अब चरित असालंका और भानुका राजपक्षे पर काफी कुछ निर्भर करता है और दोनों ही खिलाड़ियों को टीम के स्कोर को आगे लेकर जाना था और दोनों ही ऐसी कोशिश करते हुए भी नजर आए, क्योंकि चरित असालंका ने जहां 27 गेंदों में 48 रन बना डाले तो वहीं उनका साथ निभा रहे भानुका राजपक्षा ने 14 गेंदों में 21 रन की पारी खेली, जैसे कि आप सभी यहां पर देख भी पा रहे होंगे, और इन्हीं की पारियों की बदौलत श्रीलंका की टीम 187 रन बना पाने में 20 ओवर में कामयाब हो सकी और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे और 2 विकेट उमरान मलिक को मिले। हालांकि दोस्तों अब बारी थी भारतीय टीम की, जहां भारतीय टीम के सामने अब लक्ष्य तो मिल चुका था 188 रनों का, लेकिन इस लक्ष्य पर पार पाना भारतीय टीम के लिए आसान चुनौती होने नहीं वाली थी, क्योंकि ये मैदान भले ही दिखने में छोटा है लेकिन यहाँ पर चौके छक्के लगाने में बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं और पिच कंडीशंस को देखते हुए तो यही लग रहा था कि पिच से अब गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है, ना कि बल्लेबाजों को, और ऐसा शुरुआती ओवर में होता हुआ नजर भी आया, जब श्रीलंका की टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करवाने के लिए मैदान पर उतरे लाहिरु कुमारा ने भारतीय टीम को बैकफुट पर लगभग ढकेल दिया था, क्योंकि भारत के 3 विकेट तो लगातार एक के बाद एक 20 रन के स्कोर में ही गिर चुके थे, क्योंकि दोस्तों जब भारत की तरफ से ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत की, हालांकि उम्मीदें तो लग रही थी कि ये दोनों ही एक नए ओपनर खिलाड़ी हैं, भारत को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पहला बड़ा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में टीम इंडिया को लगा, जो कि 5 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और लाहिरु कुमारा ने वानिंदु हसरंगा के हाथों उनको कैच आउट करवाया और ऋतुराज गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे संजू सैमसन, जहां संजू सैमसन और ईशान किशन भी साझेदारी को आगे बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि यहां पर ईशान किशन के रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा, जो कि 12 गेंदों में 14 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए और फिर ईशान किशन के आउट हो जाने के तुरंत बाद ही संजू सैमसन भी 11 रन बनाकर ही टीम इंडिया को तीसरा बड़ा लगातार झटका दे गए। एक समय पर तो हर किसी को उम्मीदें थी इन तीनों ही बल्लेबाजों से अच्छी शुरुआत की, लेकिन खैर इनके बल्ले से हम सभी को वैसा प्रदर्शन देखने के लिए मिला नहीं जिसकी टीम इंडिया को आज दरकार थी। हालांकि अब पूरी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर होती है, जहां इस बीच सूर्य कुमार यादव एक छोर संभालते हुए खूब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और यहां पर हार्दिक पांड्या को वो कोई मौका ही नहीं देते मैच में बल्लेबाजी करने का। ओवर के अंत में एक रन भागकर स्ट्राइक को अपने पास लगातार रखते हैं, जहां सूर्य कुमार यादव देखते ही देखते सबसे पहले तो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और अर्धशतक बनाने के बाद तो सूर्य कुमार यादव को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। यहां पर सूर्य कुमार यादव खूब छक्के चौकों की बरसात करते हुए मात्र 57 गेंदों में ही 108 रन की पारी खेल देते हैं, जहां
दौरान वो श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ देते हैं और अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 8 चौके और 5 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सब यहां पर देख भी पा रहे होंगे। और वहीं सूर्य कुमार यादव के 108 रन पर आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरते हैं दीपक हुड्डा और अब हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा पर पूरा दारोमदार होता है टीम इंडिया को मैच जिताने का। और अंतिम 12 यानी कि 2 ओवर में भारत को जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत होती है और 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा मिलकर 16 रन यहां बटोर भी लेते हैं और अब अंतिम 6 गेंदों में टीम इंडिया को जीतने के लिए 21 रन चाहिए थे। हालांकि श्रीलंकाई कप्तान दसुन सना का फैसला करते हैं कि वो वानिंदु हसरंगा को ही गेंदबाजी के लिए भेजेंगे और वानिंदु हसरंगा यहां जब ओवर की पहली गेंद हार्दिक पांड्या को डालते हैं तो वो गेंद हार्दिक पांड्या से मिस हो जाती है, जिस पर कोई भी रन नहीं मिलता। वहीं फिर अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या तेज तर्रार सामने की तरफ छक्का जड़ देते हैं और टीम इंडिया की जीतने की उम्मीदें अभी भी बरकरार थी क्योंकि अंतिम 4 गेंदों में 15 रन भारत को चाहिए थे। और वहीं दोस्तों फिर तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या जब आगे बढ़कर डीप कवर्स की ओर शॉट लगाने की कोशिश करते हैं तो वो गेंद भी चौके में चली जाती है, जिसके चलते भारत को अब यहां अंतिम 3 गेंदों में 11 रन बनाने थे। और यहां चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या 1 रन भागकर दीपक हुड्डा को स्ट्राइक थमा देते हैं और अब दीपक हुड्डा को 2 गेंदों में 10 रन बनाने की दरकार थी, अगर एक गेंद भी मिस होती तो भारतीय टीम मैच को हार जाती। लेकिन यहां पर दीपक हुड्डा ऐसा कहां होने देने वाले थे। दीपक हुड्डा ने अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर कवर्स की तरफ चौका लगा दिया और फिर जब भारत को अंतिम 1 गेंद में 6 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए तब दीपक हुड्डा ने हार्दिक पांड्या के साथ खूब सोच विचार किया और दीपक हुड्डा को हार्दिक पांड्या ने कहा कि वो डीप मिड विकेट की तरफ छक्का लगाने की कोशिश करे क्योंकि वो उनका स्ट्रांग पक्ष था। और दोस्तों ऐसा ही दीपक हुड्डा ने किया, जहां उन्होंने अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर वानिंदु हसरंगा की छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिला दी, जहां भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम के खिलाफ पहले T20 मुकाबले को जीता। वहीं दोस्तों भारत की तरफ से जहां हार्दिक पांड्या ने 38 रन बनाए तो वहीं दीपक हुड्डा ने 21 रन की पारी खेली और भारत और श्रीलंका की टीम के बीच ये पहले T20 मुकाबले से ठीक पहले का खेला गया इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसको भारतीय टीम ने जीता। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में और आप किस बल्लेबाज और गेंदबाज को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा या फिर सूर्य कुमार यादव को? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आते के संगी हार्दिक पांड्या ने तो यहाँ चौके छक्कों की बरसात कर डाली, जहाँ उन्होंने 74 रन बनाए तो वहीं उनका साथ निभा सूर्य कुमार यादव 68 रनों की पारी खेली, भारतीय टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया और खेल खत्म होने तक 264 रन टीम इंडिया ने बना लिए। हालांकि श्रीलंकाई टीम के गेंदबाज चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा भी भारतीय बल्लेबाजों के आगे टिक नहीं पाए और वो घुटने टेकते हुए नजर आए, जिसके चलते यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों ने आज कमाल के शतक लगाते हुए श्रीलंका की टीम को बता दिया। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।